हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी न्यूज आ चुकी है। आपकी एग्जाम होगी या नहीं होगी, आज हम इसका फैसला देखेंगे। एग्रीकल्चर कैबिनेट मिनिस्टर माननीय दादाजी भुसे, इन्होंने ये न्यूज पब्लिश की है और एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ये जरूर देखें। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही न्यू वीडियोस लेके आता रहूंगा। और वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि एंडिंग में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए, जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कृषि पदवी का 10+2 ईयर का जो कोर्स होता है, 2 ईयर्स का कोर्स, कृषि सर्टिफिकेट भी कहते हैं, 10 के बाद ये 2 साल का कोर्स होता है, उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहली न्यूज है। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए, उनको इंटरनल मार्क्स के ऊपर उन्हें सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाएगा। जी हाँ, उनकी फाइनल एग्जाम नहीं होगी, उन्हें इंटरनल मार्क्स के हिसाब से उन्हें प्रमोट किया जाएगा। और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जाम होने वाली है, तो उन्हें प्रिपेयर करना जरूरी है, उनकी एग्जाम होने वाली है। उनकी एग्जाम जून सेकंड वीक और थर्ड वीक में होगी। अभी एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक दैट इज कृषि तंत्र निकेतन, वो स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, ये 3 ईयर का कोर्स है और इसमें फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स है उन्हें सेकंड ईयर में प्रमोट किया जाएगा, बट उनके इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे, इंटरनल मार्क्स का इवैल्यूएशन करके उन्हें सेकंड ईयर में प्रमोट किया जाएगा। जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें उन्हें फर्स्ट ईयर और करंट ईयर के 50-50 मार्क्स, दैट इज 50-50% पकड़ के नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किया जाएगा। मीन सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को थर्ड ईयर में प्रमोट किया जाएगा फर्स्ट ईयर के 50% प्लस करंट सेमेस्टर के इंटरनल मार्क्स के 50% पकड़ के इवैल्यूएट करके। ओके, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना जरूरी है, उनकी एग्जाम होने वाली है, उनकी एग्जाम जून सेकंड वीक और थर्ड वीक में होगी। तो अभी देखेंगे बीएससी एग्रीकल्चर जो 4 ईयर का कोर्स है उनके लिए क्या न्यूज है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इंटरनल मार्क्स के हिसाब से, इंटरनल मार्क्स इवेल्युएट करके उन्हें सेकंड ईयर में प्रमोट किया जाएगा। ओके, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर इंटरनल ऐसे 50% 50% करके उन्हें थर्ड ईयर में प्रमोट किया जाएगा और नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपके सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स प्लस थर्ड सेमेस्टर के इंटरनल के 50% मार्क्स ऐसे 100% करके फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। ओके, सेम क्राइटेरिया फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। और जो फोर्थ ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं, मींस 8 सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज, वो ध्यान से सुने, उन स्टूडेंट्स को एग्जाम देना है, उनकी एग्जाम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी भी एक प्रकारे ली जाएगी और ये एग्जाम 15th जून 2020 तक ये एग्जाम होने वाली है। ध्यान से सुनिए, ये डेट ध्यान में रखिए, 15th जून 2020 तक आपकी एग्जाम होने वाली है ऑनलाइन और ऑफलाइन, और इसका रिजल्ट 15th जुलाई, हाँ 15 जुलाई तक इसका रिजल्ट भी लग जाएगा। एक स्पेशल नोट उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, मीन्स आपको प्रमोट करने के बाद अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप एक स्पेशल एग्जाम दे सकते हो उस कोर्स के लिए या फिर उस सेमेस्टर की। अभी हम देखेंगे एमएससी एग्री, एमटेक एंड पीएचडी के लिए क्या न्यूज है। जी हाँ, एमएससी और पीएचडी की एग्जाम कैंसिल नहीं हुए, ध्यान में रखिए एमएससी और पीएचडी की एग्जाम कैंसिल नहीं हुई है, आपकी एग्जाम होने वाली है। ओके, और ये सारी एग्जाम अकॉर्डिंग टू द आईसीआर गाइडलाइंस, आईसीआर के गाइडलाइन के हिसाब से ये एग्जाम होगी। और जो अभी सेकंड ईयर एमएससी सेकंड ईयर में जो स्टूडेंट्स जिनका थीसिस सबमिशन है, थीसिस सबमिशन की डेट जनरली 31st of May होती है, उनके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड करके दी है, दैट इज अप टू 31st of July, याद रखिए 31st of July। और आईसीआर के गाइडलाइन के हिसाब से ये डेट नवंबर तक, दैट इज 31st of November तक एक्सटेंडेड है। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस सबके लिए, बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखिए, 5th और 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स आपकी एडमिशन 1st of August 2020 को होने वाली है, डेट नोटिफाई कर लीजिए 1 August 2020 3rd and 5th सेमेस्टर एडमिशन, 7th सेमेस्टर दैट इज 7th सेमेस्टर एडमिशन 1st of July 1st जुलाई 2020 को 7th सेमेस्टर की एडमिशन होगी। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स मींस जो न्यू एडमिशन आएगी फर्स्ट सेमेस्टर में, जो एडमिशन होगी 2020 में, उनकी एडमिशन 1st of September, जी हाँ 1st of September को फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एडमिशन होगी। एक जनरल गाइडलाइन सबके लिए ये ध्यान में रखिए, अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है या फिर लॉकडाउन में कोई भी चेंज होता है तो ये जो भी डेट्स है
इसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो ये डेट्स ध्यान में रखिए और इसमें चेंजेस हो सकता है ये भी रखिए। ओके धन्यवाद। मैं ऐसी न्यू वीडियोस लेके आपके साथ आता रहूंगा। मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और पूरे महाराष्ट्र में ये न्यूज़ फैलनी चाहिए। थैंक यू।